Hello student, so here we are discussing two important small topic. These are very simple topic. Genetic counseling, this is one. Counseling matlab professional advice, or you can say salah. It is a service that provides information and advice about the genetic condition. जैसे हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, उसी तरह से जेनेटिक काउंसिलर होते हैं, उनसे हम सलाह मशवरा ले सकते हैं. किस बारे में? तो जेनेटिक कंडीशंस के बारे में, हमारे दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जेनेटिक कंडीशन के बारे में हम सलाह मशवरा जेनेटिसिस्ट से ले सकते हैं. दिस कंडीशन कॉज, कौन से कंडीशन? द कंडीशन कॉज बाय चेंजेस ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टन जीन्स. अगर म्यूटेशन होता है या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उनका काउंसिलिंग हम ले सकते हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग फैमिली हिस्ट्री एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स. फैमिली हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी डिसीजेस का प्रॉब्लम है, या मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में हम इसका इवेल्युएशन करके, वो जेनेटिसिस्ट इवेल्युएशन करके हमें सलाह दे सकता है. व्हाई जेनेटिक काउंसिलिंग? टू नो स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फैमिली एंड द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू द चिल्ड्रेन. फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक डिसीज और जेनेटिक डिसऑर्डर थे तो उनके बारे में, उनके रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू चिल्ड्रेन कितना है, इसके बारे में हमें अगर जानकारी चाहिए तो देयर मे बी जेनेटिक डिसऑर्डर हिस्ट्री इन द फैमिली ऑफ बोथ द पार्टनर्स. बोथ द पार्टनर्स मीन हस्बैंड एंड वाइफ. एंड इट्स इनहेरिटेंस इन मेंडेलियन फैशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अफेक्टेड चिल्ड्रेन. फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर थे या है तो ऐसे कपल ने ये जेनेटिक काउंसिलिंग करना चाहिए इन ऑर्डर टू नो द प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अफेक्टेड चिल्ड्रेन. There may be a history of some type of cancer in the family. Family history में अगर cancer की reporting है तो उन्होंने ये counseling करना चाहिए. Complete genetic investigations help to parents to understand and reach decision about what to do. क्या करना चाहिए हमें पता लगेगा. What the genetic testing involves? इसमें क्या किया जाता है? Genetic tests are done by analyzing small sample of blood or body tissue to determine whether husband or wife or baby carry genes for certain inherited disorders. तो ये cells लेते हैं और cells में chromosome isolate करके है उसका karyotyping map बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि कोई डिफॉल्ट या फॉल्टी जीन तो नहीं है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी इनहेरिटेड डिसऑर्डर. तो इसका चेकिंग किया जाता है हस्बैंड में, वाइफ में या फिर बेबी में. एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन फर्टिल सेल कैन ऑल्सो बी टेस्टेड टू फाइंड आउट जेनेटिक डिसऑर्डर टू डेवलप इन एम्ब्रियो. तो ये हमने पहले देखा था एमनियोसेंडेंसिस में. इसमें एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है और उसमें फर्टाइल सेल्स होते हैं, उन्हें ग्रो करके उसका जेनेटिक मैप बना के उसका पूरा एनालाइज करते हैं कि डेवलपिंग एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या डिसऑर्डर तो है नहीं. हु नीड्स जेनेटिक टेस्टिंग? दोज हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक कंडीशन और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, इंक्रीज्ड मैटरनल एज 40 और अबव 45, इंक्रीज्ड पैटर्नल एज 45 टू 50, स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर. तो ऐसी अगर कंडीशन है तो उन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग करवा लेना चाहिए. जेनेटिक टेस्टिंग में रिवील, तो फायदा क्या होगा, इससे क्या पता लगता है? इसमें ये जो सिंड्रोम्स होते हैं इसका पता लगता है. डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमिक कंडीशंस लाइक टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, हंटिंगटन्स डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स सच एज फिनिलकेटोन्यूरिया, हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब डिसीजेस, डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया, ये डिटेक्ट हो सकते हैं.
और इसका पता हमें पहले ही लग सकता है, देन वी कैन डिसाइड द प्रेगनेंसी इज टू बी कंटिन्यूड और नॉट और इट शुड बी अबॉर्टेड. अदर लीदल जीन म्यूटेशन सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, टाइसेज डिसीज, रेटिनोब्लास्टोमा, कंजेनाइटल इक्टियोसिस, ये सब डिसऑर्डर्स हमें पता लग सकते हैं. अगर ये सब डिसीजेज या फिर ये हमारे हस्बैंड वाइफ के किसी भी फैमिली हिस्ट्री में इसमें से एक भी डिसीज हुआ हो किसी को, नॉट डिसीज इट इज ए डिसऑर्डर, सॉरी दिस इज नॉट डिसीज, दिस इज ए जीनेटिक डिसऑर्डर, तो ऐसे लोगों ने ये टेस्टिंग करवा लेना चाहिए. बट इन अवर सोसाइटी दिस इज नॉट सिंपल. सो काउंसिलर जो होता है ही हैज टू हैंडल इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, रिलीजियस ऑल्सो एंड इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज. तो हमारे सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन में ये सब अभी अलाउ नहीं है. इन फॉरेन कंट्रीज इट मे बी अलाउड बट नॉट इन इंडिया टिल डेट. देन नेक्स्ट टॉपिक इज कैरियोटाइपिंग. कैरियोटाइपिंग मतलब इट इज अगेन लेबोरेटरी प्रोसेस होती है. ये लेबोरेटरी प्रोसेस, लेबोरेटरी टेक्निक, इसमें क्रोमोसोम्स के फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं. एंड ये फोटोग्राफ्स किस लिए लिए जाते हैं? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन अगेन द एबनॉर्मेलिटीज इफ एनी इन द क्रोमोसोम्स. सो कैरियोटाइपिंग इज ए लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू एनालाइज क्रोमोसोम्स इन ऑर्डर टू लुक फॉर एनी मेजर क्रोमोसोमल एनोमैली और एबनॉर्मेलिटी विच मे कॉज जीनेटिक कंडीशन. कैरियोटाइप एनालिसिस इज डन ऑन सेल्स व्हेन दे आर डिवाइडिंग सो द क्रोमोसोम आर क्लियरली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप. तो इसके लिए कौन से सेल चाहिए जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं? तो डिवाइडिंग सेल्स में क्रोमोसोम्स बहुत अच्छे से मिलते हैं. तो कैरियोटाइपिक एनालिसिस इज डन ऑन सेल्स विच दे आर डिवाइडिंग. मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सैंपल्स लाइक ब्लड, स्किन, एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन फ्यू आर नो डिवाइडिंग सेल्स, सो इट इज नेसेसरी टू कल्चर द सेल्स. अब ये जो है ये डिवाइडिंग सेल्स है नहीं. स्किन से अगर सेल्स हम लेते हैं, ब्लड से लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड से, तो उन्हें हमें कल्चर करना पड़ेगा और फिर वो जब डिवाइडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो सेल्स हम कैरियोटाइपिंग के लिए यूज करते हैं. कोरियोनिक विला सेल्स कंटेन इनफ डिवाइडिंग सेल्स. स्टेजेस ऑफ कैरियोटाइपिंग स्टडी कैसे करते हैं? पहले तो सेल्स आइसोलेट करते हैं, उसका कल्चर करते हैं, कल्चर ऑफ द सेल्स. फिर कल्चर सेल हार्वेस्टिंग ऑफ द सेल्स एंड सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स बाय स्प्रेडिंग द सेल ऑन स्लाइड. ये सेल हार्वेस्ट करते हैं, उन्हें स्प्रेड करते हैं स्लाइड्स पे. फिर स्टेन करते हैं, स्टेनिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स. स्कैनिंग अंडर हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंडर उसे देखते हैं. फिर उसका डिजिटल फोटोग्राफी करते हैं. नाउ ए डे स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर इज यूज टू पेयर द क्रोमोसोम्स इलेक्ट्रॉनिकली. पेयरिंग करना पड़ेगा ना हमें फर्स्ट पेयर में, होमोजाइगस क्रोमोसोम या हेटरोजाइगस कंडीशन जो भी है, क्रोमोसोम नंबर वन पैटर्नल साइड का, मैटर्नल साइड का. तो ये ऐसे पेयरिंग करने के लिए ये सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो चुके हैं. द क्रोमोसोम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ. क्रोमोसोम्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? द शेप एंड टोटल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर, द पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, आर्म रेशियो, जो सेंट्रोमेरिक इंडेक्स, ये क्राइटेरिया होते हैं, उनके हिसाब से क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन किया जाता है. और इसको कैरियोटाइपिंग में ऐसे अरेंज करते हैं, जिसको कैरियोटाइप बोलते हैं या आइडियोग्राम्स बोलते हैं. ये इस तरह से ये फोटोग्राफ लिया है, इसमें सब क्रोमोसोम आ चुके हैं. फिर ये क्रोमोसोम्स आइडेंटिफाई करके ऐसे इसके पेयरिंग करते हैं. ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दिस, एंड दिस इज द लास्ट एक्स एंड वाई. दिस एक्स क्रोमोसोम एंड दिस वाई क्रोमोसोम, दिस मीन्स द कैरियोटाइप ऑफ मेल इंडिविजुअल, मेल ह्यूमन इंडिविजुअल. इन ह्यूमन क्रोमोसोम्स फर्स्ट थ्री पेयर्स आर इन ए ग्रुप. ये वन टू थ्री, दे आर ए ग्रुप. पी ग्रुप में फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सब मेटासेंट्रिक है.
सब मेटासेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमेयर इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर, ये है मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट नियर इन सेंटर। सी ग्रुप में 6 to 12 पेयर, ये सब मेटासेंट्रिक है, ये सब 6 to 12 ये सी ग्रुप में आते हैं। डी ग्रुप में 13 to 15 एक्रोसेंट्रिक एट द टिप ऑफ और नियर टू टिप ऑफ दिस क्रोमोसोम आर द सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट। ई ग्रुप में 16 to 18 पेयर सब मेटासेंट्रिक। एफ ग्रुप में 19 and 20 सब मेटासेंट्रिक। जी ग्रुप में 21st and 22nd पेयर इंक्लूडिंग वाई क्रोमोसोम, इंक्लूडिंग वाई क्रोमोसोम। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरियोटाइपिंग। ओके, थैंक यू।